सम्राट अशोक और शहंशाह औरंगजेब के जमाने को छोड़ हिंदुस्तान कभी इतनी बड़ी इकाई नहीं रहा था जितना अंग्रेजों के समय बन गया था। इसके अलावा 552 के करीब छोटी बड़ी रियासतें थीं जो ब्रिटिश इंडिया के साथ कई अलग अलग माहिदों से जुड़ी हुई थीं। सो वक्त जब ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी का आया तो जहां कई रियासतों को अलग रहना था वहीं मुस्लिम लीग को मुसलमानों के लिए एक अलग इलाका चाहिए था, और अगर ये ना हो सके तो लीग की मांग थी कि भारत को एक हिंदू और दो मुस्लिम मेजोरिटी ग्रुपिंग्स में बांट दिया जाए जो एक ढीले से केंद्र से बंधे हों। यानी कुछ अजब ही नक्शा उभरने लगा था हमारे देश का। सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब विल बी ज्वाइंड थ्रू अ कॉरिडोर टू आसाम एंड बंगाल। अदर स्टेट्स लाइक भोपाल एंड हैदराबाद विल ज्वाइन अस लेटर। दिस विल बी आवर पाकिस्तान। दो असेंबली की बात तो ठीक है कायदे आजम, मगर हमारी खुद मुख्तार पाकिस्तान के डिमांड के बारे में क्या तय हुआ? दैट विल कम, बट इन द मीन वाइल वी हैव अग्रीड टू टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडीज फॉर द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ हिंदुस्तान। देयर विल बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट विद लिमिटेड पावर्स, विद द पाकिस्तान ग्रुप्स हैविंग एन ऑप्शन टू सीसीड आफ्टर 10 ईयर्स। जनाब कायदे आजम साहब, हमें अगर ये दो ग्रुप बनवाने में कामयाबी हासिल हो गई तो फिर देखिए हम इन हिंदुओं और अंग्रेजों के वो हाल कर देंगे कि उन्हें एक आजाद पाकिस्तान को मानना ही पड़ेगा। मगर ये होगा कैसे? आसान सी बात है, देखिए एक बार जैसे ही हमने अपने ग्रुप्स के आइन बना लिए फिर हम मरकज की यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे और हर बात पे इतने अड़ंगे लगाएंगे कि असेंबली का चलना ही दुश्वार कर देंगे। और अगर हिंदू अक्सरियत ने हमारी बात को सुनने से इनकार किया तो हम असेंबली से वॉकआउट कर जाएंगे और उसके फैसलों को मानने से ही इनकार कर देंगे। और क्योंकि हमारे पास अपनी ग्रुपिंग वाले सूबे होंगे, हम उनके किसी कानून को मानने के लिए मजबूर नहीं होंगे। गुड थिंकिंग जमील। In that case, we can demand that an unequivocal undertaking be given to implement the establishment of Pakistan without delay. Send a note to that showboy, Maulana. दूसरी तरफ कांग्रेस किसी भी बंटवारे के खिलाफ थी और इस ढीले केंद्र की बात से बेहद नाखुश। फिर प्रांतों को क्या क्या अधिकार मिले और रजवाड़ों को कैसे शामिल किया जाए, ये भी अहम मसले थे। ऐसे हालात में केंद्र कुछ कर पाएगा भी या नहीं, ये एक मुअम्मा यानी पजल सा बन गया था। मौलाना ये क्या बेहुदा मजाक है? हमें जिना साहब को फौरन जवाब देना चाहिए कि आपने जो मुस्लिम सूबों की अलग ग्रुपिंग्स की तजवीज पेश की है वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि मुसलमान अक्सरियत के सिर्फ 3 ही सूबे हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बलूचिस्तान। आसाम में अक्सरियत हिंदुओं की है और बंगाल और पंजाब में मुस्लिम मेजोरिटी बस नाम बराबर है। जवाहर, कई सालों से फेडरल यूनियन के तहत काफी हद तक हम खुद मुख्तार सूबों की बात कर रहे हैं। अब अगर इस वक्त हम ग्रुपों से इनकार करेंगे तो हमारे जिन्हा साहब फिर से बंटवारे की धमकी पर उतर आएंगे। मगर मजहब के नाम पे इस तरह से सब फेडरेशन बनाने से सेंटर और कमजोर हो जाएगा। जवाहर, जल्दबाजी में आकर किसी भी तरह का फैसला लेना मुनासिब नहीं है। मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास बुलाता हूं और वहां बैठ के सोच समझ कर हम ये सब तय कर लें तो बेहतर रहेगा। कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में जिन्ना साहब के प्रस्ताव के खिलाफ और एक कमजोर केंद्र के विरोध में कई आवाजें उठी। डीआर गार्गिल ने रेजोल्यूशन में लिखा है, कांग्रेस को यह तय करना ही होगा कि मुस्लिम लीग को मनाने के लिए वो कहां तक झुकती जाएगी और संघ के ढांचे के बारे में उसके क्या विचार है। यह भी तय करना होगा कि अगर ये अड़ंगेबाजी चलती ही रही तो हम क्या रास्ता अपनाएंगे। यद्यपि कांग्रेस ने हमेशा एक
मजबूत केंद्र की बात की है, पर आज हम एक ऐसी सरकार बनाने को तैयार है जहां शायद दुनिया की सबसे कमजोर सरकार केंद्र में होगी। सूबों को उनके हुकूक देने के खिलाफ तो हम कभी नहीं रहे। 26 जून के रेजोल्यूशन में भी हमने साफ साफ मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की ही बात की थी, लेकिन हम ऐसे किसी स्कीम को बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसकी वजह से हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए। मगर कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों की हम अनदेखी भी तो नहीं कर सकते हैं ना। ऐसी स्थिति में केंद्र और सूबों के अधिकारों को बांटना आसान नहीं होगा। कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स के मुताबिक सेंटर के पास सिर्फ 3 चीजें थी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, और इन पर होने वाले खर्च का इंतजाम। इनसे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज भी जाहिर है सेंटर ही चलाएगा। इसी तरह एक्सटर्नल अफेयर्स में फॉरेन ट्रेड भी शामिल है। यू कैनॉट डिवोर्स फॉरेन ट्रेड फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी। लेकिन जवाहर, ऐसे कामों के लिए भी टैक्सेस के जरिए पैसा जमा करना होगा, तो क्या ये काम सेंटर के वाले रहेगा या हर सूबा टैक्सेस में से सेंटर को कुछ देने वाला है हमारे मिस्टर जिन्ना की तजवीज के मुताबिक? बकवास, बिल्कुल बकवास। सूबे क्या सेंटर को खैरात देंगे? खैरात से कोई सरकार नहीं चल सकती। सेंटर को अपने खर्चे के लिए खुद टैक्सेस जमा करने पड़ेंगे। यही नहीं, हमें सेंटर के लिए और भी हुकूक चाहिए होंगे। फर्ज कीजिए कि 2 सूबों के बीच झगड़ा हो जाए या अकाल की वजह से इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हो जाए, तो लाजमी है इन हालात में सेंटर को दखल अंदाजी करनी पड़ेगी। सेंटर कितना भी कमजोर हो, हमें उसे तरह तरह के हक देने ही पड़ेंगे। पिछले कुछ सालों के वाकयात से यही साबित हो चुका है कि अगर सेंटर मजबूत नहीं होता तो हालात कहीं और ज्यादा संगीन हो सकते थे। फरवरी सन 1947 में ब्रिटिश संसद के इस ऐलान के साथ कि भारत को बहुत जल्द ही आजाद कर दिया जाएगा, स्थितियां बहुत बदल गई थीं। अब पाकिस्तान बनने के आसार भी साफ नजर आ रहे थे। ऐसे में पंडित नेहरू ने एक पत्र लिखा और पूरे सदन को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। अब जबकि हिंदुस्तान के बंटवारे का फैसला हो चुका है, एक कमजोर केंद्र हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। ऐसा मरकज ना तो अमन व अमान कायम रख पाएगा, ना ही पूरे मुल्क के लिए जरूरी अहम फैसले ले पाएगा, और ना ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर मुल्क की पैरवी कर पाएगा। अलबत्ता साथ ही कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सिर्फ सूबाई इकाइयां ही फैसले ले सकती हैं। इसलिए हमारे आईन का ऐसा फ्रेमवर्क जरूरी है जिसमें फेडरेशन के साथ एक मजबूत मरकज भी हो। इसलिए सेंटर और सूबों के हकों के बंटवारे के लिए 3 फहरिस्तें होनी जरूरी है, मरकजी, सूबाई और मिली जुली, यानी द फेडरल, द प्रोविंशियल एंड द कंकरेंट। 3 लिस्टें जो पेश की गई थीं कुछ इस तरह थीं। केंद्र की सूची में रक्षा, सेनाएं, विदेश संबंध और व्यापार, डाक, तार, रेलवे, जहाज रानी, वायु सेवा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेट्रोलियम, केंद्रीय कर, आयात कर आदि आदि के साथ केंद्र संचालित पुस्तकालयों, संग्रहालयों और बनारस हिंदू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज जैसे संस्थान समेत 87 विषय थे। वहीं प्रदेश की लिस्ट में शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्वास्थ्य, कफन दफन, कृषि, जल संसाधन, मत्स्य पालन, भूमि, जंगल, खाद्य पदार्थ, इन सब पर लगने वाला कर, चुंगी और स्थानीय प्रशासन, शिक्षा आदि आदि जैसे 57 विषय रखे गए थे। 3री कंकरेंट यानी सहगामी या सांझा फहरिस्त में आपराधिक न्याय व्यवस्था, बिजली, ब्याह शादी, तलाक, वसीयत, अखबार, किताबें, फिल्म प्रदर्शन, मोटर गाड़ियों, पागलखानों, जहर और जहरीली दवाइयों, जानवरों के प्रति सदव्यवहार, मर्दुमशुमारी जैसी 36 चीजों को रखा गया था, और हाँ, बॉयलर्स को भी। मंत्रिमंडल के सदस्य और प्रांतों के मंत्री
दोनों ही इस फहरिस्त से संतुष्ट नहीं थे। मुझे पता चला है कि आप यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट से खुश नहीं हैं। मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में बात कर सकती हूँ। हेल्थ को अगर स्टेट सब्जेक्ट बना दिया जाता है तो हम कैसे हिंदुस्तान भर के डॉक्टरों और अस्पतालों का एक लेवल इंश्योर कर पाएंगे? अमृत कौर जी, हर सूबे की जरूरतें अलग अलग हैं। जैसे कि कई जगहों पर अस्पताल वगैरह पहले ही से ही है और कई जगह पर तो बिल्कुल नहीं है, इसीलिए स्वास्थ्य को राज्य की सूची में रखना ही सही समझा गया। मैं जानती हूँ हालात और जमीनी सच्चाई हर प्रांत और सूबे में अलग है, पर जहां तक स्वास्थ्य का मामला है, हम सब यही चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तानियों को एक जैसी सेवाएं और सुविधाएं मिलें। तो मेरा ये कहना है कि हेल्थ जैसे सब्जेक्ट को अगर केंद्र की लिस्ट में नहीं तो कम अज कम कॉन्करेंट लिस्ट में तो जरूर रखना चाहिए। फिर तो वो न यहाँ का रह जाएगा न वहां का। पंत साहब का बस चले तो कंकरेंट लिस्ट को अबॉलिश ही कर दे। अरे ये बताइए, फिर हेल्थ को सेंटर की लिस्ट में क्यों ना लिया जाए? 87 चीजें तो रख ली हैं आपने केंद्र की सूची में, इसे भी ले लीजिए। जवाहरलाल जी, जब तक प्रांतों को आप कुछ जिम्मेदारी देंगे नहीं, सूबे जिम्मेदारी लेना सीखेंगे कैसे? कांग्रेस ने हमेशा विकेंद्रीकरण की बात की थी, पर अब जब अमल का समय आया है हम झिझक क्यों रहे हैं? वैसे भी मेरा मानना है कि भारत जैसे विशाल देश को केवल दिल्ली से नहीं चलाया जा सकता है। आजादी के 6 दिन बाद 21 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने केंद्र और प्रांतों के बीच अधिकारों के बंटवारे के लिए यही 3 सूचियां पारित की। कमोबेश आज तक केंद्र और राज्यों के बीच काम के बंटवारे का आधार यही 3 फहरिस्तें हैं। मगर केंद्र और सूबों के बीच का अंतर संबंध क्या होना चाहिए और केंद्र कितना शक्तिशाली होना चाहिए, इन प्रश्नों पर गहराई से सोच रहे थे डॉक्टर अंबेडकर। However much you may deny powers to the center, it is difficult to prevent the center from becoming strong. Conditions in the modern world are such that centralization of powers is inevitable. On the other hand, we must resist the tendency to make it stronger. It cannot chew more than it can digest. Its strength must be commensurate with its weight. It would be a folly to make it so strong that it may fall by its own weight. We must realize that our people have yet to learn how to use it. Democracy in India is only a top dressing on an Indian soil, which is essentially undemocratic. पर सभा के दूसरे सदस्यों के अपने अपने अलग विचार थे। इन सारे सतरंगी ख्यालों के इंद्रधनुष को ही तो देखने का मजा था संविधान सभा में। सर, ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे इसे हम किसी भी नाम से पुकारें, फेडरल कहें या यूनिटरी, पार्लियामेंट्री या फिर प्रेसिडेंशियल, असल में ये एक सत्तात्मक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद तैयार कर रहा है, ना कि एक फेडरल संविधान की। यूनिटरी से मेरा अर्थ है कि बहुत सारी सत्ता घुमा फिरा करके हमने सेंटर को दे दी है और सूबों को कुछ भी नहीं। सर, ये संविधान लोगों को कुछ भी अधिकार नहीं देता, ना परिवार को, ना गांव को, ना जिले को, ना सूबों को। डॉक्टर अंबेडकर ने सब कुछ केवल सेंटर के लिए रख लिया है। मेरा प्रश्न है कि हमें एक मजबूत सेंटर किस लिए चाहिए, किसके डर से चाहिए और किसके खिलाफ चाहिए? हमें मजबूत सेंटर क्या पाकिस्तान के डर से चाहिए, या रूस के डर से चाहिए, या फिर इस देश की जनता के डर से? सर, आई बेग टू डिसएग्री। यस, वी वांट अ स्ट्रांग सेंटर। यस, वी वांट अ स्ट्रांग सेंटर बाय ऑल मीन्स। इफ वी वांट टू प्रिजर्व और मेंटेन आवर न्यू बॉर्न फ्रीडम, and if we want the solidarity of this country, we have had enough experience of provincial autonomy, of which we had been enamored in the past, and now we have seen its effect. We have seen the centrifugal and fusiparous tendencies that it has generated, and which we have learned to our cost.
ये मौजूदा संविधान ना तो एकक संबंधी है ना ही संघीय संबंधी, यानी ना तो पूरी तरह यूनिटरी है ना फेडरल, बल्कि दुनिया भर के संविधानों का एक अजीब प्रकार का घिचपिच मिश्रण है जिसे तोड़ मरोड़ कर हमारे मित्र ने एक स्थिर संगत रूप देने की कोशिश की है। जो सूबे ये शिकायत कर रहे हैं कि केंद्र की सत्ता को हमने बहुत ज्यादा पावर दे दी है और उनसे बहुत से अधिकार छीन लिए गए हैं, वो प्रदेश तो खुद पावर के नशे में आकर शहरों और जिलों के निकायों को कोई अधिकार देने को तैयार नहीं है। और आज 85% से ज्यादा लोकल बॉडीज को मेल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे भंग करके ये सूबे की सरकारें ही चला रही हैं। अगर हमने यहां संविधान में प्रदेश की सरकारों को साफ साफ ये नहीं बताया कि उन्हें इन लोकल बॉडीज को उपयोगी बनाना ही होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस दस्तावेज की कोई कीमत नहीं रह जाएगी जो हम डेमोक्रेसी के नाम पे यहां पेश कर रहे हैं। सर, एक नजर जरा ये लंबी यूनियन लिस्ट पर डालिए और अब एक नजर इस लंबी कॉन्करेंट लिस्ट पर। ये वो सारे हुकूक हैं जो मरकजी सरकार अपने हाथ में ही रखना चाहती है और इस तरह हमारे मुल्क के फेडरल सिस्टम को एक यूनिटरी सिस्टम में तब्दील कर देना चाहती है। इस तरह की मंशा से चलाई गई सरकार, मुझे डर है कि जल्दी एक डेमोक्रेटिक नहीं बल्कि तानाशाही सरकार बन जाएगी। Honorable member can remain seated while speaking if he so wishes. Thank you, sir. I should like to express my emphatic dissent from Dr. Ambedkar's observation that democracy in India is only a top dressing on Indian soil. Three criticisms of the draft constitution range under the following heads. Criticism one, the center is made too strong at the expense of the units. Criticism two, the existence of a large list of concurrent subjects might lead to the center encroaching upon the provincial sphere. And criticism three, the constitution does not give sufficient importance to village communities. Sir, a brief survey of the draft constitution must convince the members that it is based upon sound principles of democratic government. It is well to remember that a constitution is, after all, what we make of it. किसान नेताओं और गांव जमीन से जुड़े लोगों के लिए किसी संवैधानिक भाषा से ज्यादा जरूरी सवाल थे खेतीबाड़ी, अनाज और भूख। सर, यदि आप भारत में सभी चीजों का, जिनमें कृषि की अर्थव्यवस्था भी शामिल है, प्लांड विकास चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि कृषि के विकास, विचार और कृषि की अर्थव्यवस्था को हम राज्यों नहीं बल्कि केंद्र की सूची में रखें। हमें यह याद रखना होगा कि भारत में खाद्य समस्या बहुत गंभीर है। जनाब वाइस प्रेसिडेंट साहब, मैं इस फेडरलिज्म के खिलाफ हूं। राज्यों को जब जब हमने अधिक अधिकार दिए, यह देश बंटवारे की कगार पर पहुंच गया। और आज अगर हम सूबों को ज्यादा पावर देकर फेडरलिज्म की बात करते हैं तो ना जाने कितने पाकिस्तान इस उपमहाद्वीप में बस जाएंगे। अगर हमने फेडरलिज्म को अपनाया तो हम वही कर बैठेंगे जो हमारे विदेशी देश चाहते हैं कि हम करें। एक कटा हुआ जर्मनी, एक बटा हुआ कोरिया, इन विदेशी ठगों की मन मुराद है। अपने देश की ताकत को फेडरल, कॉन्करेंट और प्रोविंशियल के नाम पे बांटना एक आत्महत्या करने जैसा कदम है और यह हर हालत में हमारे देश को कमजोर करेगा। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर बोले कि हमारा संविधान फेडरल भी है और यूनिटरी भी, शांति के वक्त फेडरल और युद्ध के वक्त यूनिटरी। पर मैं पूछता हूं कि यह युद्ध और शांति का बंटवारा केवल एक झूठी कल्पना भर है, क्योंकि हम किसी वॉर या पीस में नहीं,
बल्कि कोल्ड वॉर के जमाने में जी रहे हैं। और अगर हमें इन विदेशी ठगों से, इन विदेशी ताकतों से खुद को बचाना है, तो आज हम जिस तरह के लोकतंत्र के काम में लगे हैं, उस काम में इस तरह के कानून सिर्फ अड़ंगा ही डालेंगे। सर, व्हेन अलेक्जेंडर अटैक्ड इंडिया, वी अंडरस्टैंड दैट इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 52 ऑटोनोमस यूनिट्स एंड वी नो व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस इट प्रोड्यूस। सर, द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी बेस्ट लेसन्ड बाय द सेंटर बीइंग गिवन पावर टू इंटरवीन इफेक्टिवली व्हेनेवर and wherever provincial jealousies may threaten the unity or impede the progress of the country as a whole. सन 48 के अंत में जब एक बार फिर मद्रास से आए श्री बी पोकर साहब बहादुर ने केंद्र की सत्ता पर प्रश्न उठाया, तो डॉक्टर अंबेडकर भड़क उठे और ऐसा लगने लगा कि केंद्र और प्रदेश का झगड़ा कहीं हिंदू मुसलमान का बवाल न बन जाए। We can now resume discussion on Article 60. Is Pokar Sahib Bahadur in the house? I submit, sir. Now, after we have won freedom, to do away with provincial autonomy and to concentrate all the powers in the center really amounts to totalitarianism, which certainly ought to be condemned. Therefore, I submit that at least with reference to matters in the concurrent list, even though the center may have legislative power, the executive power with reference to those subjects should be left to the provinces. I'm afraid Mr. Pokar Sahib is raising a controversy. Is it not a fact that whips are being issued over such questions? That may be so. That, I said, is the position as I understand it. Now, sir, it must have been noticed, and I say it merely as a matter of fact and without any kind of insinuation in it at all, that a large number of members who have spoken in favor of the First Amendment to ensure more powers to the states are mostly Muslims. No! The Muslim League took up such an adamant attitude on this point that the Secretary of the State had to make certain concessions in order to reconcile the Muslim League to the acceptance of some sort of responsible government at the center. With your permission, sir, may I just correct my learned friend? This constitution is being framed for the present Indian Union, in which there is not a single province in which the Muslims are in a majority. Muslims as such are not in the least to be particularly benefited by this amendment. My complaint is that the Muslim members are repeating arguments which were valid when the Muslim League was there and Muslim provinces were there. Withdraw! Order! There is ample justification for a proviso of this sort, which permits the center in any particular case to act unilaterally. Supposing the center makes a law prescribing a certain penalty, certain prosecution for the obstruction caused to the untouchables in the exercising of their civic rights. Supposing a law like that was made, and supposing that in a particular province, the sentiment in favor of the abolition of untouchability is not as genuine, as intense, nor is the government interested in seeing that the untouchables have all the civic rights which the Constitution guarantees. Is it logical? Is it fair that the center on which so much responsibility has been cast by the Constitution in the matter of untouchability should merely pass a law and sit with folded hands, waiting and watching as to what the provincial government are doing in the matter of executing all those particular laws? Should not the center which enacts a law of this character have the authority to execute it?
I would like to know if there is anybody who can say that on a matter of such vital importance, the center should do nothing more than enact a law. Yeah, yeah, yeah. इसके बाद सबसे जोरदार बहस इस बात पर हुई कि क्या केंद्र को ये हक बनता है कि वो जब चाहे प्रदेशों में चुनी गई सरकार को बर्खास्त करके वहां केंद्र का शासन लागू कर सके, और अगर ये जरूरी हुआ तो हमारे संविधान में किन सावधानियों का रखा जाना आवश्यक है। आज तक सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में ये मुद्दा जब तब उठता ही रहता है। सर, why should we presume that the states will assume such an anti-national attitude? Particularly the wording, in the national interest, parliament should make laws, is something which implies that the center requires parliament to legislate in such matters of national importance which the states are not prepared to pass. I do not think that the article is at all necessary. Sir, I should like to put a pointed question to Dr. Ambedkar. For instance, now there is a situation prevailing in the state of Hyderabad and in Madras Presidency. In some of the border areas of these two states, there is a disturbance of public peace. I would like to ask whether it will be proper under similar circumstances for the center to intervene and take over the entire portfolio of law and order from the two states concerned and step in. Sir, I'm sure that it will be a mockery of provincial autonomy if such a thing happens. The first change that is to be noted is that the president is to act on a report from the governor or otherwise. The original article merely provided that the president should act on the report made by the governor. I think as a necessary consequence to the introduction of this article, we must also give liberty to the president to act even when there is no report by the governor and when the president has got certain facts within his knowledge on which he thinks he ought to act in the fulfillment of his duties. Dr. Ambedkar ne baat badi safai se rakhi, magar socialist neta H.V. Kamat sahab kahan sunne wale the? Mujhe bhavishya saaf nazar aa raha hai ki aantarik kalah rokne ke naam pe kendriya sarkar suboh ki swatantrata ko dhwast karne ja rahi hai aur pranton ki azadi ko khatam karne ki taiyari kar rahi hai. Pehle to राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि केवल राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही नहीं बल्कि अन्यथा भी यदि उसे सही लगे तो राज्य सरकार के खिलाफ कदम उठा सकता है. ये अन्यथा है क्या? शायद केवल ईश्वर ही जानता है. वैसे भी पहले ही हमने यह तय कर दिया है कि राज्यपाल को तो राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा. अगर ऐसा है तो क्या राष्ट्रपति को खुद अपने नियुक्त आदमी पर भरोसा नहीं होना चाहिए क्या? अगर अपने ही लोगों पर राष्ट्रपति को भरोसा नहीं है तो फिर छोड़ दो ये सरकार, बोरिया बिस्तर बांधो और घर जाओ अपने अपने. ये संविधान सभा भी बर्खास्त करो और चलो अपने अपने घर सब. ना, मैं ऐसे किसी कार्य व्यापार का हिस्सा नहीं बनना चाहता. यहां जो हो रहा है गलत हो रहा है. मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो इस सदन को सद्बुद्धि दे कि वो अपने गलतियों बेवकूफियों को देख सके और जो अपराध यहां कर रहे हैं उनको समझ सके. दिस इज अ क्रिमिनल ट्रांजैक्शन. क्रिमिनल? व्हाट इज द क्राइम? यह एक संवैधानिक जुर्म होगा अगर राष्ट्रपति को अधिकार दे कि वो हर बात में टांग अड़ा सके, न सिर्फ राज्यपाल की रिपोर्ट पर बल्कि किसी अन्य कारण से भी. ये अदरवाइज मात्र शब्द नहीं बल्कि एक शैतान है, और इस संदर्भ में तो ये एक बिल्कुल बेहुदा शब्द है. सर, मैं चाहता हूं कि एक नुक्ते पर रोशनी डाली जाए. अगर खुदा ना खास्ता किसी सूबे के गवर्नर को कोई कैद कर ले तो वो कैसे राष्ट्रपति महोदय को अपनी रिपोर्ट भेज पाएगा? गवर्नर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. माफ कीजिए, गिरफ्तार ना सही, कोई उन्हें अगवाई कर ले तो भाई कैसे आएगी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी के पास? जनाब, अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो धारा 257 तो है ना हमारे पास.
जिसके चलते बिना राज्यपाल की सलाह के भी केंद्र प्रोक्लेमेशन जारी कर सकता है, यानी राष्ट्रपति बिना गवर्नर की रिपोर्ट के भी अपने विवेक के अनुसार कदम उठा सकता है और राज्य की सत्ता अपने हाथों में ले सकता है। सर, लेट अस हैव अ लिटिल रियलिज्म अबाउट आवर डिस्कशंस एंड अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। The greatest danger in the future may not be that the center will interfere too much, but that the units may resent the guidance of the center. And what do we mean by saying that the president may take the powers into his own hands and may become an absolute dictator? And will the 32 crores of Indians sit quietly and knuckle under? If they would, then they would anyhow. Then no constitution on God's earth, even if framed by Archangel Gabriel, is going to succeed. श्री के संतानम ने उदाहरण देकर प्रांतों में प्रेसिडेंट्स रूल को और साफ तरीके से समझाने की कोशिश की। मिस्टर प्रेसिडेंट, सर, लेट अस ब्रॉडली एनालाइज द सर्कमस्टेंसेस इन विच दीस आर्टिकल्स कैन कम इन टू ऑपरेशन। देर मे बी ए फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट, एज फॉर इंस्टेंस when there is widespread internal disturbance or external aggression, or for some reason or other, law and order cannot be maintained. Then there may be a political breakdown. This is a point which requires careful analysis. A political breakdown can happen when no ministry can be formed, or the ministries that can be formed are so unstable that the government actually breaks down. Then there is the third contingency of economic breakdown. Suppose, for instance, in a state the ministry is all right, but it wants to make itself popular by reducing or cancelling all taxes and running its administration on a bankrupt basis. Suppose the government servants are not paid and the obligations are not met and the state goes on accumulating its deficits. Therefore, if the objection to Articles 278 and 278A relates really to the possibility of proper conventions not being evolved. In themselves, they are unobjectionable and they are essential. मगर जनाब नजीरुद्दीन अहमद ने ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी कहकर उसके पूरे काम और अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा दिया। I submit, sir, that the drafting committee has been drifting from our original decisions, from the draft constitution, and from our original amendments. It would perhaps be more fitting to call the drafting committee as the drifting committee. Sir, I agree with them that emergency powers are necessary. And I also agree that serious forces of disorder are working in a systematic manner in the country, and drastic powers are necessary. But what I fail to appreciate is the attempt to take away the normal power of the governor or the ruler of the state to intervene and pass emergency orders. It is that which is the most serious change. In fact, originally the governor was to be elected on adult suffrage of the province, but now we have made a serious departure that the governor is now to be appointed by the president. This is the first blow to provincial autonomy. पहले दिन सभा का समय समाप्त हो गया तो नजीरुद्दीन अहमद साहब अगले दिन भी बोलते ही रहे। The fear of the communists is at the back of these emergency powers being centralized. This was the very reason which led Hitler to establish his dictatorship. Mussolini also built a dictatorship by similar process, and both of them had to share the same fate. I only hope that we are not drifting towards that end. महोदय, आजादी जब आती है तो अपने साथ ढेर सारी दुश्वारियां भी लाती है जिनका एक देश को सामना करना पड़ता है। जैसे बंगाल में आज अराजक तत्व बड़े सक्रिय हो रहे हैं, यही हाल मद्रास का है, हैदराबाद में भी यही सब चलता देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि ये किसकी जिम्मेदारी है कि फौरन इस सब को रोका जाए।
हमें मौके पे मौजूद लोगों पर ही भरोसा करना पड़ेगा। हमने हर सूबे के लिए गवर्नर को नियुक्त किया है। हम इन गवर्नरों को मोटी तनख्वाह देने जा रहे हैं और भी तमाम लाओ लश्कर ऐशो आराम। हम उन्हें संविधान के हिसाब से राज्य में ऊंचा ओहदा भी दे रहे हैं। पर अगर इस सब के बावजूद हम इन गवर्नरों को सिर्फ सजावट का सामान बनाकर रखेंगे और उन्हें आपातकाल के लिए कोई अधिकार नहीं देंगे तो सब बेकार है। अगर ऐसा है तो हमें इस पद का नाम थोड़ा बदलकर इन्हें गवर्नर नहीं गोबर्नर ही बुलाना चाहिए। केंद्र और राज्यों के संबंधों को लेकर हर विचार डर खतरे और जिम्मेदारी पर गौर किया था संविधान सभा ने और अंत में सारे सुझावों शंकाओं और प्रश्नों का जवाब दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। With regards to the general debate which has taken place, in which it has been suggested that these articles are liable to be abused, I may say that I do not altogether deny that this is a possibility. But that objection applies to every part of the Constitution which gives powers to the center to override the provinces. The proper thing we ought to expect is that such articles will never be called into operation and they would remain a dead letter. If at all they are brought into operation, I hope the president, who is endowed with these powers, will take proper precautions before actually suspending the administration of the provinces. I hope the first thing he would do would be to issue a warning. If that warning fails, the second thing for him to do will be to order an election allowing the people of the province to settle matters themselves. It is only when these two remedies fail that he would resort to this article. I do not think we could then say that these articles were introduced in vain or that the president had acted wantonly. उधर गांधीवादी लोग एक अलग ही तरह के भारत की कल्पना कर रहे थे और महात्मा गांधी के एक अनुयायी श्रीमान नारायण अग्रवाल साहब ने सन 1945 में ही बापू के विचारों को पढ़ के समझ के और उनसे बात करके एक गांधीवादी संविधान का मसौदा तैयार कर दिया था। संविधान बनाते समय याद रखने की पहली चीज ये है कि जिस बात का संबंध सबसे हो उसे सब मिलकर ही तय करें। पर इस तरह लोकतंत्र किस दिशा में जाएगा बापू? उस दिशा में जहां अहिंसा हो और विकेंद्रीकरण हो। जनतंत्र की परिभाषा मेरी समझ में वो राज है जिसमें हर जीनहीन के पास वो अवसर हैं जो सबसे शक्तिशाली के पास भी हो और हिंसा के बल पे ऐसा कभी नहीं हो सकता। और इसलिए आप मानते हैं कि भारत के भविष्य का संविधान सुगढ़ सुचालित ग्राम सभाओं पर आधारित हो जो प्रजातंत्र को सीधे और अच्छे तरीके से चला सकें, जहां मनुष्य और पर्यावरण पर अहिंसा वाली ग्राम शिल्प की संस्कृति और अर्थव्यवस्था हो और मनुष्य का मनुष्य से सीधा संपर्क और संबंध हो। गांव के गणराज्य ही स्वराज की मूल इकाई होनी चाहिए जिनके पास सारे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता हो। फिर गांवों को तालुका जिला सूबा और संघ की पंचायत विधानसभा और सांसदों के जरिए
अखिल भारत केंद्र की इकाइयों से जोड़ा जाए। सही समन्वय बनाना होगा और केंद्र की सांसद का काम बहुत ही सीमित होगा, क्योंकि हमारे सिद्धांत के अनुसार अधिकतर अधिकार ग्रामों, लोकल बॉडीज और सूबों के पास ही होंगे। ठीक कह रहे हैं बापू आप। केंद्र का काम केवल रक्षा, आर्थिक विकास, सूबों के बीच समन्वय, परिवहन, संचार, मुद्रा, कस्टम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे प्रमुख उद्योगों तक ही सीमित होना चाहिए, और शायद कुछ राष्ट्रीय महत्व के शैक्षिक संस्थानों को चलाना, राज्यों को शिक्षा के स्तर के बारे में सलाह देना, विदेश नीति तय करना भी केंद्र का काम हो सकता है, पर बाकी सारे अधिकार और निर्णय संघ की प्रांतीय इकाइयों के पास ही होने चाहिए। याद रहे, वही हुकूमत अच्छी होती है जो सबसे कम हुकुम चलाए। श्री श्रीमान नारायण अग्रवाल द्वारा लिखी स्वतंत्र भारत के लिए संविधान नामक पुस्तिका की भूमिका महात्मा गांधी ने लिखी थी और कहा था कि हालांकि इसके हर शब्द से शायद मैं इत्तेफाक नहीं रखता, किंतु मेरे पास समय की कमी होने से प्रिंसिपल श्रीमान नारायण अग्रवाल ने वो कर दिखाया है जो मैं नहीं कर सका। संविधान सभा के गांधीवादी सदस्य इसी को नए संविधान का आधार बनाना चाहते थे। सर, हमारे मुल्क में 7 लाख गांव हैं। महात्मा गांधी की कृपा से हमारी आजादी की लड़ाई गांव तक पहुंच गई थी और गांवों के आधार और बल पर ही आज हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ है। पर आज जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने है उसमें कहीं गांव का कोई भी जिक्र है? कहीं उसकी कोई तस्वीर है? नहीं, नहीं, नहीं और नहीं। ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन बजाय अंदर और नीचे से खड़ा करने के ऊपर और बाहर से खड़ा किया जा रहा है। सदर साहब, होना यह चाहिए था कि हमारे हिंदुस्तान की रिपब्लिक एक यूनियन बनती, सारे छोटे छोटे ऑटोनॉमस रिपब्लिक आपस में मिलकर एक यूनियन की तरह हिंदुस्तान की एक बड़ी रिपब्लिक बनाते, और से न फिर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस का सवाल उठता, न कम्युनल मेजॉरिटी या माइनॉरिटी का सवाल उठता और न बैकवर्ड क्लासेस का सवाल उठता। सेठ जी ने कहा है कि यह विधान ग्रामों को महत्व नहीं देता है। महात्मा गांधी जी का विधान ग्राम गणराज्य व ग्राम पंचायत पर आधारित था, जिसकी रूपरेखा प्रिंसिपल श्रीमान नारायण अग्रवाल ने दी थी, और मेरे विचार से विधान के उस अंग पर हमें सावधानी से सोचना होगा। उधर डॉक्टर अंबेडकर शायद अपने निजी जीवन के तल्ख तजुर्बों के कारण ग्रामीण जीवन और ग्राम पंचायतों के बारे में कोई खास अच्छी राय नहीं रखते थे। A criticism against the draft constitution is that the new constitution should have been drafted on the ancient Hindu model of a state, and that instead of incorporating Western theories, the new constitution should have been raised and built upon village panchayats and district panchayats. There are others who have taken a more extreme view. They do not want any central or provincial governments. They just want India to contain so many village governments. The love of the intellectual Indians for the village community is, of course, infinite, if not pathetic. I hold that these village republics have been the ruination of India. I am therefore surprised that those who condemn provincialism and communalism should come forward as champions of the village. What is the village but a sink of localism, a den of ignorance, narrow-mindedness, and communalism? I'm glad that the draft constitution has discarded the village and adopted the individual
as its unit. Sir, according to Dr. Ambedkar, the villages have been the ruination of India. The villages have been the den of ignorance. If that is the case now, that is due to us, who have been living in the towns, who have been shining under the foreign bureaucracy and foreign rule. Our villages have been starved. Our villages have been strangled deliberately by the foreign government, and the townspeople have played a willing tool in this ignoble task. Resuscitating the villages, I think, should be the first task of future free India. I have told you, sir, that we have been taught according to the Gandhian outlook and the Congress outlook that the future constitution of India would be a pyramidal structure based on the village panchayats. If we can build the whole structure on the village panchayats, on the willing cooperation of the people, then I feel the center would automatically become strong. Sir, I'm sorry that Dr. Ambedkar went out of his way to speak about village panchayats and say that they did not provide the proper background for a modern constitution. I think that in spite of revolutions and changes, they have preserved Indian life, and but for them, India will be a chaos. I wish that some statutory provision had been inserted regarding village autonomy within proper limits. For local autonomy for each village must constitute the basic framework for the freedom of this country. I do not want to say anything more than what Dr. Ambedkar has said. He is a bit too pessimistic. I do not agree that we can never reform the villages and develop them for self-government. This country will ultimately consist of a number of village republics, autonomous as far as possible, knitted together into a number of states with a union at the center. Maulana Hasrat Mohani, Hardam ki tarah, is baat par bhi Soviet Rus ko Bharat mein khinch hi laye. ये कहना गलत नहीं होगा कि मैंने महात्मा गांधी के सामने एक तजवीज पेश की थी और उसके तहत उन्होंने सोवियत रूस के आईन के दो नुक्तों की हामी भी भरी थी. पहला नुक्ता था काम करो और वोट भरो, और दूसरा कि पहली इकाई गांव का सोवियत रहे. उन्होंने उस पर फरमाया था कि सोवियत संघ का आईन कांग्रेस वर्किंग कमेटी का आईन से काफी मिलता है, इसलिए अगर गांव पंचायत की तजवीज छोड़कर हम गांव सोवियत की तजवीज अपनाएं तो ये सारे पचड़े जो हमारे आईन में है इस और उस माइनॉरिटी के हुकूक को लेकर सब गायब हो जाएंगे. आई बेक टू मूव दैट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स द फॉलोइंग न्यू आर्टिकल बी एडेड दैट द स्टेट शाल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंडो देम विथ सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम to function as units of self-government. What powers should be given to a village panchayat, what its area should be, and what its function should be will vary from province to province. Sir, I accept the amendment. Thank you very much, sir. Sir, I am sure the 7 lakhs of villages in the whole of India would welcome the provisions of this amendment in the Constitution. If the pies are taken care of, the rupees will take care of themselves. Sir, it is very necessary that this august body gives its views on the fundamental tenet of Mahatma Gandhi. He said that India dies if the villagers die. India can only live if the villagers live. Sir, as I accept the amendment, I have nothing more to add. और इस तरह गांव और ग्राम पंचायतों को हमारे संविधान में स्थान देना ही पड़ा डॉक्टर अंबेडकर को. पर असल में ये झगड़ा न शहर गांव का था, ना ही महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण का. ये मतांतर बिल्कुल उसी तरह का था जैसा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 पे हुई बहस में देखने को मिला था, जहां कुछ लोग हिंदुस्तान का नाम भारत रखना चाहते थे और कुछ इंडिया.
पर अंत में जीत समन्वय की हुई और हिंदुस्तान का नामकरण हुआ इंडिया दैट इज भारत। Thank you.